ससुराल से निकाल दूंगी। टिंकू और रिंकू सगे भाई थे, दोनों ही शादीशुदा थे और दोनों का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन वो परिवार भी क्या परिवार जिसमें कोई समस्या ना हो। आपने आज तक ऐसे बहुत से किस्से सुने होंगे जिसमें परिवार में आने वाली बहुएं पति की कमाई से ज्यादा खर्च करती हैं और बेचारे पति का दिवाला ही निकाल देती है। लेकिन आज की हमारी कहानी में प्रॉब्लम थोड़ी अलग है। यहाँ खर्चीला स्वभाव बहू का नहीं बल्कि उनकी सास का है। माँ, हमें ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए चंडीगढ़ जाना है। हम दोनों जा रहे हैं। आपके पास सोना और मोना रहेंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। ये दोनों सब संभाल लेंगी, हमने इन्हें सब कुछ अच्छे से समझा दिया है माँ। अरे बेटा, तुम दोनों चले जाओगे तो ये घर कैसे चलेगा? मुझे तो सोचकर ही घबराहट सी हो रही है। इन दोनों को कहाँ इतनी समझ है कि ये घर और बाहर एक साथ संभाल सके। अरे माँ, आप बिना बात चिंता कर रही हैं। पढ़ी लिखी है आपकी दोनों बहुएं। मौका मिलने पर औरतें हवाई जहाज उड़ा रही है, इतना ही नहीं चांद तक पहुँच गई है। और आपको लग रहा है कि आपकी बहू घर ही नहीं चला पाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी, आप चिंता मत करो। और वो कोई अकेली तो है नहीं, आप आराम से घर में रहो, भजन करो, अपनी सहेलियों के साथ घूमो फिरो। घर की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, घर संभालने के लिए आपकी दोनों बहुएं हैं। अब आप ये चिंता फिक्र छोड़ो और हम दोनों को आशीर्वाद दो, हमें आज शाम की ट्रेन से ही निकलना होगा। बेटों की बात सुनकर माँ शिल्पा भारी मन से दोनों बेटों को चंडीगढ़ भेज देती है। जैसा कि रिंकू और टिंकू ने कहा था, दोनों बहुएं सोना और मोना वाकई घर और बाहर की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। घर के बजट को तो उन्होंने ऐसे अपने हाथ में ले लिया था कि एक भी पैसा इधर से उधर नहीं हो पा रहा था। पाई पाई का हिसाब रखी हुई थी दोनों। एक दिन, अरे ये बहुएं तो सारे पैसों पर ऐसे कुंडली मारकर बैठ गई हैं कि मेरे हाथ में तो एक चवन्नी भी नहीं लग रही। दोनों बेटे थे तो मैं किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे मांग ही लेती थी, और मेरे राम लखन भी खुशी खुशी मुझे रुपया निकाल कर दे देते थे। लेकिन अब क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। खैर, यह घर मेरा है, मुझे किसी के बारे में सोचने की जरूरत क्या है। जाकर सीधा बहू से मांग लेती हूँ। सोना बहू, मुझे 40,000 की जरूरत है, देना तो जरा। 40,000? ये तो बहुत बड़ी रकम होती है माँ जी, क्या हुआ आपको, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अरे तेरी सास मैं हूँ कि तू मेरी सास है? है, मुझे कुछ भी जरूरत पड़ी हो तुझे उससे क्या मतलब? मैंने तुझसे पैसे मांगे, तू चुपचाप पैसे लाकर मेरे हाथ में थमा, बस बात खत्म। माँ जी, दीदी कुछ गलत थोड़ी ना कह रही है, अगर आपको जरूरत है तो आप बताइए ना, आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि आपको इतने सारे पैसों की जरूरत आन पड़ी। अब घर का खर्च हम दोनों को चलाना होता है, रुपया तो सोच समझ के ही खर्च करने होंगे ना। कल को जब आपके बेटे हमसे हिसाब मांगेंगे तो हमें भी तो कुछ जवाब देना होगा कि नहीं? ऐसा है दोनों महारानियों, कान खोल कर सुन लो, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम्हारे पतियों ने 4 पैसे कमाकर तुम्हारे हाथ में क्या थमा दिए, खुद को घर की मालकिन समझने की भूल मत करने लग जाना। एक मिनट में घर से बाहर निकाल दूंगी और फिर यहाँ से वहाँ भटकती फिरोगी, फिर भी 30,000 की सैलरी भी नहीं मिलेगी। और आजकल किराए के मकान का रेट क्या चल रहा है ये तो पता है ना तुम दोनों को। यहाँ पर ठाट से मेरे 2 मंजिले मकान में रह रही हो और मुझे ही आंख दिखा रही हो। चुपचाप 40,000 निकाल कर मेरे हाथ में रख, मैं तो सामान बांध लो। दोनों कान खोल कर सुन ले बहू, शाम तक पैसे मेरे हाथ में होने चाहिए, नहीं तो अपना इंतजाम कहीं और कर लेना। अरे दीदी, ये तो सरासर गुंडागर्दी हुई ना, कि माँ जी घर से निकालने की धौंस देकर अपनी मनमानी कर रही है। माँ जी को समझ में नहीं आता कि इन्हीं पैसों के लिए उनके बेटे घर से दूर रहकर इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो ऐसे ही बिना वजह बताए 40,000 मांग रही है। अरे कर भी क्या सकते मोना, सच बात तो यही है कि घर माँ जी के नाम पर है और जैसा माँ जी का स्वभाव है ना, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो ये सचमुच हमें घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देगी। और बात सिर्फ घर से बाहर निकालने या किराए पर मकान लेकर रहने की नहीं है, अगर ये सारी खबर उनके बेटों तक पहुंची तो वो इस पूरे प्रकरण का जिम्मेदार हमें ही समझेंगे। वो ये थोड़ी ना समझेगा कि माँ जी अनाप शनाप बातें करके पैसों की डिमांड कर रही थी। ऐसे भी सास को तो हमारे समाज में बाय डिफॉल्ट समझदार और बहू को बदतमीज समझा जाता है, किस किस को समझाते फिरेंगे हम दोनों। काफी देर विचार करने के बाद अंत में दोनों बहुएं 40,000 निकाल कर सास के हाथ में थमा देती हैं।
इस घटना को अभी हफ्ता भर नहीं बीता था कि सास शिल्पा एक बार फिर बहू के सामने आकर खड़ी हो जाती है। बड़ी बहू, मेरी सहेलियां ना काफी दिनों से कह रही थी कि कोई किटी स्टार्ट कर लेते हैं। अब काफी दिन से दबाव बना रही थी तो मैंने भी हाँ कर दिया। इस बार किटी की ओपनिंग मेरे यहाँ से होगी। सबका खाना पीना सारा अरेंजमेंट डेकोरेशन सब मिलाकर 30,000 का खर्चा तो आ ही जाएगा। क्या 30,000 की किटी? अरे नहीं नहीं, किटी तो बस 20,000 की है, बाकी 10,000 अरेंजमेंट के लिए है। माँ जी, क्या जरूरत है इतने बड़े अमाउंट की किटी खोलने की? और आप कह दीजिए ना कि पार्टी होस्ट करने का अभी हमारा बजट अलाउ नहीं कर रहा। कोई जबरदस्ती है क्या कि हम इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करें? बड़ी बहो, अभी पिछले सप्ताह ही तुझे समझाया था ना कि इस घर में रहना है तो जरा कायदे से रहना होगा। मेरे हर काम में टांग अड़ाओगी तो इस मुफ्त की छत से भी जाओगी। और हाँ, भूलना मत कि पैसे देकर कोई एहसान नहीं कर रही हो मुझ पर। अरे इतना बड़ा मकान है मेरा, अगर तुम दोनों को निकाल कर बाहर करूँ ना तो हर महीने किराए के पैसों से रुपयों में खेलूँ मैं। और बहू, हर किसी के सामने हर समय बजट का रोना नहीं रोया जाता। कुछ काम समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए भी करने पड़ते हैं। सोसाइटी में मेरी कुछ इज्जत है, रुतबा है, जो मैंने बरसों की मेहनत से बनाया है। इसलिए तू मुझे फालतू सलाह देने की हिम्मत ही ना करना। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बहुओं से पैसे लेकर शिल्पा अब किटी पार्टी की तैयारियों में लग गई थी। तो जवान बहू है घर में, लेकिन दोनों का टेस्ट बुढ़ों से भी बदतर है। एक भी ढंग का सामान नहीं है घर में। आजकल दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हमारे घर की हालत तो देखो। अरे सहेलियां आएंगी मेरी, कहां बिठा कर चाय नाश्ता कराऊंगी मैं? ये डाइनिंग टेबल तो देखने लायक भी नहीं बचा। माँ जी, अच्छा खासा तो है डाइनिंग टेबल। आज तक हमने सभी रिश्तेदारों को इसी टेबल पर बिठा कर नाश्ता और लंच डिनर सब कुछ करवाया है। आज अचानक इस टेबल में क्या खराबी हो गई? अरे कुएं की मेंढक हो तुम दोनों। रिंकू और टिंकू ने तुम्हें घर के अंदर बंदी बनाकर रखा हुआ है। बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ खबर भी है? अरे माँ जी, चलने का क्या है, हर 2 साल में नया फैशन आ जाता है। फैशन और ट्रेंड के अनुसार चलेंगे तो रोज फर्नीचर ही बदलते रह जाएंगे। हमें ट्रेंड के हिसाब से नहीं, अपनी जेब देखकर चलना चाहिए। अरे चुप करो दोनों, मुझे बस नया डाइनिंग टेबल लेकर आना है। चुपचाप 40,000 दे दो। मैं कौन सा चाट पकौड़ी खाने के लिए पैसे मांग रही हूँ? घर के लिए सामान ही तो मंगवा रही हूँ ना। घर में रखा रहेगा तो तुम्हारी ही इज्जत में बढ़ोतरी होगी। 4 रिश्तेदार आएंगे, तुम्हारी ही तारीफ करेंगे। लेकिन माँ जी, देखो मुझे बार बार वही बात कहने पर मजबूर क्यों करती हो बहू? चुपचाप पैसे दे दे, नहीं तो तुम्हारे पतियों के लौटने से पहले ही तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध कर तुम्हें यहाँ से 9, 2, 11 कर दूंगी। बेचारी बहुएं मरती क्या ना करती। सास की धमकी देने के कारण चुपचाप पैसे निकाल कर सास शिल्पा के हाथों में थमा देती है। अगले ही दिन शिल्पा एक खूबसूरत चमचमाती हुई डाइनिंग टेबल लाकर सबके सामने रख देती है। किटी पार्टी की भी सारी तैयारियां हो चुकी थी। पार्टी वाले दिन मानना पड़ेगा, पूरे ग्रुप में सबसे जानदार पार्टी दी है तूने। तेरे जैसा टेस्ट, स्टाइल, रुतबा हर किसी के पास नहीं होता शिल्पा। ठीक कह रही है तू। अरे तुम्हें नहीं पता, अभी कुछ दिन पहले ही तो शिल्पा ने 40,000 एक एनजीओ को दान में दिए हैं। अरे भाई, आजकल तो शिल्पा ही शिल्पा छाई हुई है हर तरफ। किसी को दान देना हो या किसी की मदद करनी हो, शिल्पा का नाम लेते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखा दीदी आपने, इसका मतलब वो जो 40,000 माँ जी हमसे लेकर गई थी, इन्होंने एक एनजीओ में दान कर दिए। मतलब बेटों की जेब खाली करके सासू माँ दुनिया में महान बनती घूम रही है। देखो, दान देना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे दान का भी क्या मतलब कि अपनों के भूखे मरने की नौबत आ जाए। ये तो वही बात हुई ना कि जेब में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। लेकिन माँ जी अपनी जिद के आगे बिल्कुल कुछ सुनना ही नहीं चाहती। कहानी ये सब कब और कैसे रुकेगा? किटी पार्टी के बाद। अरे भाई, बहुत भरोसे पर मैं पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर सौंप कर आया था, लेकिन देख रहा हूँ कि तुम तो दोनों हाथों से पैसे लुटा रही हो। अरे भाई, कहाँ खर्च कर दिए? 1 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए तुमने। ऐसे क्या सोने के बिस्कुट खरीद कर खा रहे हो तुम लोग, जो 1 महीने के अंदर इतना पैसा खर्च हो गया? हम यहाँ 4 पैसे कमाने आए हैं
और तुम दोनों सारी दौलत लुटाने में लगी हुई हो। देखो, इस बात का जवाब मुझसे नहीं अपनी माँ से मांगो तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर मैं कुछ कहूंगी तो आप कहोगे मैं सासू माँ की बुराई कर रही हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, साफ साफ कहो। देखो, जब से आप लोग गए हो ना, तब से माँ जी के तो जैसे रंग ढंग ही बदल गए हैं। वैसे तो अपने घर की धौंस वो पहले भी जमाती थी, लेकिन आजकल तो वो हर बात में ही घर से निकालने की धमकी दे डालती हैं। और उन्होंने ही अपनी मनमानी चलाकर ये सारे रुपए मुझसे वसूले हैं। आप ही बताइए मैं करूँ तो क्या करूँ। अच्छा, ऐसे बात है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, अभी मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। 2 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। बड़ी बहू सोना दरवाजा खोलती है तो सामने 2 आदमी खड़े दिखाई देते हैं। ओ जी, सत श्री अकाल जी, मायसेल्फ पप्पी सिंह जी। और जी, मायसेल्फ जप्पी सिंह है जी। नमस्कार जी, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। देखो जी, सच सच बताना, आप ही रिंकू शर्मा की बुट्टी सोना भाभी हो ना। हाँ जी, सही पहचाना, लेकिन आप कौन जी? अभी तो बताया हमने, मैं जप्पी, तो ये मेरा भाई पप्पी सिंह है। पप्पी जी, वो तो ठीक है, लेकिन क्या मैं आपको जानती हूँ? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे भाभी जी, आपने कभी देखा ही नहीं तो पहचानेंगी कैसे? देखो जी, आपके ससुर है ना जी, मुकेश शर्मा जी, उनके खानदानी वकील का नाम था मुरली सोपति। बस जी, हम उनके पुत्ते हैं और आपके ससुर की विल बताने आए हैं। बाऊ जी की कोई विल भी है? हाँ जी हाँ जी, उन्होंने अपनी दोनों बहुओं के नाम 50-50 लाख की FD करा रखी थी। आपकी FD मैच्योर हो गई है और कानूनन अब आप और आपकी देवरानी उसकी मालकिन हो। हम अगले सप्ताह आकर सारे कागज आपके नाम कर देंगे। इस 1 सप्ताह में आप लोग सोच लो कि ये पैसे आपको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने हैं या किसी और के। क्या, दोनों बहुओं के नाम 50-50 लाख की FD करा रखी थी इन्होंने और कभी मुझे खबर तक नहीं लगने दी? अरे, मेरे पति का पैसा है और मुझे ही देखने तक को नहीं मिल रहा। घोर कलियुग आ गया राम जी। खैर, उन कागजों में चाहे जो लिखा हो, लेकिन मैं भी वो पैसा लेकर रहूंगी। वो अलग बात है कि उन पैसों तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों तो आसानी से वो पैसा मुझे देने से रही। अगले ही दिन से सास शिल्पा के सुर पूरी तरह बदल गए थे। अरे मोना बहू, ये सब क्या है बेटा? रसोई में इतने तरह के बिस्किट भरे हुए हैं। देखो बेटा, एक बार में इतने तरह का सामान ले आओगी तो आधा तो एक्सपायर होकर कूड़े की शोभा बढ़ाएगा, है ना? ऐसे ना फिजूल खर्च करना अच्छी बात नहीं है, आगे से ध्यान रखना। हाँ ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। अरे मोना, ये माँ जी आज कौन सा सुर लगा बैठी? खुद इतनी फिजूल खर्ची करती है और तुम्हें खर्च कम करने के लिए भाषण दे रही है। मैं भी वही सोच रही हूँ दीदी, कि आज सूरज कौन सी दिशा से उदय हुआ है जो माँ जी हमारी तरफ बजट वाली बात कर रही है। हो सकता है माँ जी को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो सुधर गई हो। सबसे पहले तो मुझे अच्छाई का ढोंग करके ये बात साबित करनी होगी कि अब मैं बदल गई हूँ और मुझे रुपए पैसे का कोई मोह नहीं रहा। इतना ही नहीं, जिस मकान से बार बार निकालने की मैं इन दोनों को धमकी देती हूँ, अब तो मुझे इस मकान से भी कोई प्रेम नहीं रहा। अरे मकान तो वैसे भी आज नहीं तो कल इन दोनों को ही मिलने वाला है, मैं कौन सा उसे फोड़ कर खा सकती हूँ। उससे अच्छा तो मैं मकान इनके नाम करके वो रुपया इनसे हथिया लूँ। 1 करोड़ रुपया मेरे हाथ में आ जाएगा तो मेरी तो मौज ही हो जाएगी। अरे जो सपने भरी जवानी में पूरे नहीं हुए, उन्हें मैं अब बुढ़ापे में पूरा करूँगी। सालों से मेरा मन था विश्व भ्रमण करने का। अगर बहू अपना पैसा मुझे सौंप दे तो मैं अपना ये आखिरी सपना भी पूरा कर लूंगी। बेटा सोना, माफी चाहती हूँ, मैंने दबाव बनाकर तुमसे इतने रुपए हथिया लिए, लेकिन देखो बेटा, मुझे ना गलत मत समझना, मैंने उन रुपयों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल मेरी एक सहेली को ना पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, बस तुमसे 40,000 लेकर मैंने उसे दे दिए। और बेटा, उधार दिए पैसे आज नहीं तो कल तो वापस आ ही जाते हैं ना। और जहां तक रही किटी की बात, तो हमने किटी डाली ही इसलिए है ताकि एक मुट्ठी पैसा हाथ में आए तो मैं उन पैसों से अपनी दोनों बहुओं के नाम FD करा सकूं। बेटा, हमने तो अपने हिस्से की जिंदगी जी ली,
अब तो जो है सब तुम दोनों का ही है। इतना कहकर शिल्पा वहां से चली जाती है। अरे दीदी, मुझे अपनी आंखों और कान पर यकीन ही नहीं हो रहा, ये हमारी माजी ही थी या कोई बहु रुपया घुस गया हमारे घर में। अरे मोना तू चुप कर, एक तो पहली बार इतने बरसों में सासू माँ के मुंह से कुछ अच्छे शब्द सुनने को मिल रहे हैं, कहीं हमारी ही नजर ना लग जाए माजी को। अगर सचमुच माजी का हृदय परिवर्तन हो गया है ना मोना, तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको ऐसी ही सद्बुद्धि देता रहे, क्योंकि माजी ने घर से निकाल दूंगी कह कह कर हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। एक सप्ताह की बात, बहू मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों अकेले कितना कुछ संभाल रही हो, कितना थक जाती होगी ना। हाँ माजी, थकान तो हो ही जाती है। अच्छा तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, ये बताओ वो पप्पी झप्पी वाला पैसा किसके अकाउंट में मंगवाना है? अरे क्या सोचा है, क्या करोगी इतने सारे पैसों का? हाँ जी सच बताऊं तो सबसे पहले अपने लिए सर पर छत का इंतजाम करूंगी। अरे बहू ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना, और बाजार में इसकी कीमत पूरे 1 करोड़ है। नहीं नहीं माँ जी, ये तो आपका घर है, हम कभी इस घर के मालकिन तो बन ही नहीं सकते। फिर आप भी तो बात बात पर हमें निकालने की धमकी देती रहती है। अब अच्छा एक काम करो, मैं ये घर तुम दोनों के नाम लिख देती हूँ, तब तो खुश रहोगी ना दोनों। और हाँ, तुम अपने पैसों से मकान लेना चाहती थी तो वो पैसा तुम मेरे नाम कर दो। और बेटा मैं पैसा कहाँ लेकर जाऊंगी, अब मेरी 4 दिन की जिंदगी बची है, मेरी आंखें बंद होते ही वो पैसा भी तुम्हें वापस मिल जाएगा, और मुझे भी संतोष हो जाएगा कि तुम्हारे बाबूजी का पैसा मेरे हाथों में है। वैसे दीदी सौदा बुरा नहीं है, और हम इतना रुपया बैंक में ही तो रखने वाले थे, क्या फर्क पड़ता है अपने बैंक में रखे या माँ जी के, कम से कम ये रोज रोज का घर से निकालने का ताना तो बंद होगा। दोनों देवरानी जिठानी आपस में सलाह मशवरा करके सास को रुपया देने को राजी हो जाती है, और सास शिल्पा से प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम करवा लेती है। अगले दिन सुबह, बहू घंटी बज रही है, लगता है वो पप्पी झप्पी आ गए। मोना जाकर दरवाजा खोलती है। अरे टिंकू जी आप आ गए, कैसा रहा आपका ट्रिप? हमारा ट्रिप तो अच्छा रहा, तुम सुनाओ क्या चल रहा है? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमें आज 50-50 लाख मिलने वाले हैं, और माँ जी ने भी अपना घर हमारे नाम कर दिया है। इसका मतलब हमारा तीर एकदम सही निशाने पर लग गया। तीर निशाना मतलब क्या है आपका? मतलब यही है कि घर में कलेश की जड़ खत्म हो गई। माँ रोज मकान के नाम से ही तुम्हें परेशान करती थी ना, इसलिए हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और कोई पैसा नहीं आने वाला, भूल जाओ सब। इसका मतलब वो पप्पी चिप्पी झूठ बोल रहे थे? सत्यानाश हो उन दोनों का, मुझे मिल जाए ना तो मुंह नोच लूंगी दोनों का। हाय मेरा वर्ल्ड टूर। अरे माँ ध्यान से देखो, पप्पी झप्पी तुम्हें यहीं कहीं नजर आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो पप्पी प्राजी, अजी हम ही तो है पप्पी ते झप्पी सिंह, तो बोलो तारा रारा। नालायक हो, अपनी माँ को ठगते हो, अभी बताती हूँ तुम्हें। और इस तरह ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब बेचारी खर्चीली शिल्पा के पास धमकी देने का कोई साधन ही नहीं बचा था, इसलिए अब वो खर्चे भी जरा सोच समझ कर रही थी।